जय हिंद साथियों, नमस्कार। राजस्थान पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर और मैं आशु चौहान आपके साथ जुड़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का युवा ये आकर्षक रूपी प्रेम का जो दलदल है उसमें धसा जा रहा है। वह सोशल मीडिया पर सैड फीलिंग, सैड स्टेटस इसकी ओर बढ़ा जा रहा है। वह नौकरी का दर्द, वह परिवार का दर्द, ना जाने कितने दर्द वो लेकर इस दुनिया में जी रहा है। सबसे पहले इस सोशल मीडिया पर आपकी फॉलोइंग बड़ी हो सकती है, आपके दोस्त बड़े हो सकते हैं, उससे बाहर निकलिएगा। आप आभासी दुनिया में आइए, वह दुनिया जो आपको वास्तविकता का एहसास दिलाती है, वह दोस्त जो आपको हंसाता है, वह दोस्त जो आपको सलाह देता है, वह दोस्त जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन उन लोगों से आप सोशल मीडिया पर दूरी बनाए रखें जो आपको रात को सोने ना दें, वह ऐसा एक भ्रम फैला दें और उस आकर्षक रूपी प्रेम के दलदल से भी बचना है। हाँ, काफी लोगों के स्टेटस देखता हूं जो साथ में जुड़े हुए हैं, जिनके नंबर सेव हैं, तो उनमें देख रहा हूं कि कोई सिविलिंग सेड है, कोई क्या है, कोई किसी परिवार नई भर्ती के इंतजार में दुखी नहीं। आप अपना कर्तव्य कीजिए, वास्तविकता को ईश्वर पर छोड़ दीजिए। सत्य आपके साथ है और वही चीज होगी जो आपने सोची है। आपकी मेहनत में अगर दम है तो आपको फल मिलेगा, क्योंकि वही किसान चिंता करता है उस बरसात की जिसने अपने खेतों में फसल बोई है। वह तो आराम से सोता है जिसने कुछ भी नहीं बोया। तो मेहनत करने वालों के लिए जो है आप ईश्वर पर छोड़ दीजिएगा। अब आप लोगों का जो मैसेज आया कि सर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर क्या है विशेष, आप सभी जानते हैं कि अभी राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उससे पहले जो एक दो कमेंट में लेकर आपके पास में यहां जुड़ा हूं, रविंदर सिंह राठौड़ इनका ये कमेंट है, और कल ऑफलाइन यहां मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं अपने पाठशाला क्लासेस के अंदर, तो यहां जो बैचेज है यहां पर भी एक कोटपुतली से भाई आया, तो उसको भी ये थोड़ा सा डर लग रहा था, उसके बारे में बताऊं आपको। सर आप तो पुलिस में लग गए, अब मुझे भी पुलिस में लगना है, इसलिए सर अब कांस्टेबल भर्ती को सीईटी से बाहर कर दो। ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा है, लेकिन सीईटी से बाहर करना आप पढ़ सकते हैं आराम से, यह मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत से विद्यार्थियों को जब कहा तब वो पीएचक्यू भी अपने लेटर देकर आए थे, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मांग की थी, हमने भी लिखकर भेजा था। उसके बाद में पता चला कि डीजी साहब ने भी इसके लिए अलग से मांग की है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा कारण क्या था, आरएसी की जो भर्ती है वो 10th पास है, जबकि सीईटी के अंदर जो लागू हुई है वो 12th पास है। तो अब अपने फिर आरएसी को छोड़ कैसे दे, ठीक है? तो ये भी तो पार्ट तो पुलिस का ही है, डिपार्टमेंट तो एक ही है ना, राजस्थान पुलिस, चाहे सीआईडी हो, आईबी हो, राजस्थान पुलिस जो अपने कहते हैं थानों में है, या फिर आर्मेड फोर्स है, या एसडीआरएफ है, ये डिपार्टमेंट तो एक ही है। तो इसलिए ये सीईटी से बाहर कर दो। इसी कारण वह आया यहां पर तैयारी करने के लिए जयपुर। वो कह रहा है सर मुझे पुलिस के बेस में पढ़ना है, और उसे हमने सीईटी वाले बेस में बिठा दिया। अब सीईटी वाला बेस जो है, आज सबसे ज्यादा विद्यार्थी जो है यही सोच के आते हैं कि एलडीसी की 14,000 भर्तियां निकली हुई है इसलिए हम उसकी तैयारी करें, हाई कोर्ट की जो भर्ती निकली हुई है हम उसकी तैयारी करें। लेकिन ये जो सीईटी वाला है, रिजल्ट कब आएगा बताऊंगा बात सारी आगे वाली भी। सीईटी जो है जिससे बाहर कर दो, तो आप ये मानकर चलो कि पुलिस की भर्ती आ रखी है, पुलिस की भर्ती आ रखी है, जो सीईटी के अंदर दे रखी है उसका तो एग्जाम होना ही है। तो फिर आप घर बैठे क्या कर रहे हो, तैयारी करो, 12वीं पास की करो, जब ये अलग हो जाएगी तब सबको पता चल जाएगा, फिर वही होगा, फिर वो 2 या 3 महीने मिलेंगे। और पेपर आप लोगों ने इस बार देखा था बहुत ही हार्ड था, इसलिए पहले से तैयारी करने लग जाओ। ज्यादा सीखा हुआ नुकसानदायक नहीं है, कम सीखा हुआ नुकसानदायक हो सकता है। फिर दूसरा कमेंट आया था कि सर आप भी रिजल्ट पर वीडियो बनाओ, कोई पीएचक्यू से न्यूज लेकर, जहां लड़के रात रोज 1 बजे लाइव आते हैं, तो हम लोग तैयार रहते हैं, आज आप लोग सब को भूल गए हो, पर जो कल परसों यूट्यूब पर आए हैं वो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, ये नरेंद्र ने लिखा है। और लड़के परेशान है, हम लोग तो आपसे उम्मीद रखते हैं, गुरु आज शाम को एक वीडियो बनाओ आप, विनती आपसे। ये उनका कमेंट कल का था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था, फिर व्हाट्सएप पर भी मैसेज आने लगे कि कई ऐसे चैनल है जहां पर यह लिखा गया अभी राजस्थान पुलिस का रिजल्ट जारी, क्या रहेगी कट ऑफ, क्या कितने किस किस को बुलाया, कितने गुना पास किए गए हैं। तो वो क्या है कि हर कोई जितने
देखो 10-15 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, वो पूरे दिन यूट्यूब पर इसी को सर्च कर रहे हैं, जो उसको दिखा वो दूसरे को रिकमेंड करता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, जो मैंने अपने दोस्त से पूछी है, जो पुलिस मुख्यालय विभाग में अपने साथी गण उनसे पूछा है, उनका यह कहना है कि अभी 10 दिन में ये पेपर 10 दिन में रिजल्ट जारी होगा, ये उनका कहना है। और एक दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि 2 से 3 दिन, 2 या 3 दिन। अब फाइल जो है वह अलग अलग ऐसे जाती है, जैसे अरे पेपर विभाग जो लेते, जैसे पेपर जो करवाता है वह विभाग है, फिर उसके बाद में जो दूसरे अधिकारी है, फिर उससे उच्च अधिकारी है, फिर उसके पास में। तो कहते हैं कि जो रिसाइकलिंग जो जांच चल रही है ना, रिवाइज जांच चल रही है, उसके कारण इसको या तो इतना टाइम लग सकता है, और अगर ये जांच अगर 1 दिन में पूरी हो गई तो आ जाएगा। अब इसका अधिकतम उन्होंने समय दिया है कि 10 दिन फाइल जा चुकी है, ये उनके द्वारा कहना है। लेकिन अब कोई भी बात है वहां की बाहर ऐसे नहीं आ सकती, बस कोई दोस्त है जो अपने को बता देता है और मैं आपको आपके सामने बता देता हूं, ठीक है। और जाकर भी आया था मैं, वहां पर भी मिला। अब आप लोगों का कहना था कि सर पुलिस की तैयारी आप क्यों नहीं करवा रहे हैं, अभी हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम है ग्रेड लेवल, जो थर्ड ग्रेड का है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड के अंदर, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड के अंदर, उसके अंदर मैंने राजस्थान सामान्य ज्ञान अपनी जो आरबीडी की बुक आती है सुभाष सर मेरी और हमारे साथियों की, इस बुक के अंदर जितने भी आपके टॉपिक हैं उन सब की मैं रात को 9 बजे लाइव क्लास शुरू कर चुका हूं। अब वो लाइव क्लास है जिसके अंदर चाहे आप एलडीसी पढ़ो, चाहे पुलिस पढ़ो, चाहे बीएसटीसी पढ़ो, जीके कभी नहीं बदलता है। करणी माता का मंदिर देशनोक में ही है, जाम्भो जी का जन्म पिपासर में ही है, और अकबर ने तीसरा आक्रमण चित्तौड़ पर ही किया, वही रहने वाला है। उसका सार बढ़ जाता है कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन मैंने कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यहां ऑफलाइन आते हो, तब भी मैंने किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया, जो पूरा है वो पूरा ही पढ़ाया, चाहे आप लाइव कोर्स में पढ़ाया है तब तो पूरा अच्छे से ही पढ़ाया है, अगर प्रजा खराब है तो राजा खराब। राजा तभी अच्छा होता है जब प्रजा सुनने लायक हो। और अभी जयपुर में 11वां बैच भी पूरा हो चुका है। कौन सा बैच पूरा हो चुका है? 11वां बैच पूरा हो चुका है। अब मैं जयपुर में पहली बार राजधानी में आप लोगों के लिए पहली बार राजधानी में इतिहास, संस्कृति, भूगोल, चाहे आप कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं और तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए मात्र 3,000 रुपए फीस जयपुर के अंदर, क्योंकि यहां बिल्डिंगों का किराया बहुत ज्यादा है, आप सभी जानते हैं, रूम भी नहीं मिलते, उन सब के लिए स्पेशल बैच जीके का शुरू कर रहा हूं, स्पेशल जीके बैच। सघन वन अंधेरी रात मूक निमंत्रण चलना है, अभी विश्राम कहां बहुत देर तक चलना है। तो मैं आपको कह रहा हूं, जो स्पेशल जीके बैच में शामिल होना चाहते हैं, वो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दें, 80-786-22-147। चाहे आप रेट की तैयारी करें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन रेट लेवल और सेकंड फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल वालों को मैं बता दूं कि आप आ सकते हैं, पाठशाला क्लासेज त्रिवेणी चौराहा जयपुर, ठीक है। धन्यवाद। रिजल्ट 10 दिन का इंतजार कीजिएगा, दौड़ लगाते रहें, और जब रिजल्ट आएगा उसकी दौड़ की तैयारी भी अब जयपुर और बीकानेर दोनों जगह करवाई जाएगी। बीकानेर पढ़ने वाला बीकानेर पढ़े, जयपुर पढ़ने वाला यहां ज्यादा दिन, वहां शनिवार और संडे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप भ्रामक वीडियो को ना देखें और बने रहें, मेहनत करते रहें, ईश्वर पर विश्वास रखें, आपकी मेहनत जो है वह जाया नहीं जाएगी। मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।